हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 13, द प्लेनेट अर्थ। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। द बिग आइडिया, फॉर्मेशन ऑफ आवर यूनिवर्स। हम इसमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन यानी कि यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस, तारों के और तारामंडल या नक्षत्रों के बारे में। आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम के बारे में। द सन एंड द प्लेनेट्स, सूर्य और उसके ग्रह। मीटियोरॉयड्स मीन्स उल्का पिंड। मीटियर क्षुद्र ग्रह एंड मीटियराइट्स टूटते हुए तारों के बारे में। कोमेट्स धूमकेतु, मून चंद्रमा के बारे में। न्यूज़मेकर आर्यभट्ट। एट ए ग्लांस यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। स्टार्स आर बर्निंग बॉडीज दैट कंटेन गैसेज एंड प्रोड्यूस एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। स्टार्स क्या हैं? वो बर्निंग बॉडीज हैं यानि कि जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वैसी है। दैट कंटेन्स, जिसमें क्या है, गैस है। एंड प्रोड्यूस एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और ये लाइट और हीट का एक बहुत बड़ा स्रोत है। द बिग बैंग थ्योरी टेल्स अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में बताती है। द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। जो सोलर सिस्टम है उसका वो फॉर्म हुआ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। सन सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। आ मीडियम साइज्ड स्टार, और क्या है ये, एक मध्यम साइज का तारा। अदर सेलेसियल बॉडीज या दूसरे आकाशीय पिंड है, जैसे एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, सैटेलाइट्स जो हमारे उपग्रह हैं, मीटियराइट्स एंड कोमेट्स। मीटियर्स क्षुद्र ग्रह, मीटियोराइट्स उल्कापिंड, कोमेट्स धूमकेतु। एट प्लेनेट्स, जो सन है उसके कितने हुए ग्रह हैं, एट प्लेनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन है और एट प्लेनेट्स है। इन एट प्लेनेट्स से जो उसमें से एक ग्रह कौन सा, हमारा अर्थ जिस पर हम रहते हैं, ब्लू प्लेनेट, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यह अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और मून अर्थ का, हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। द यूनिवर्स ब्रह्मांड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन ईयर्स पहले। ऑल मैटर इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं यानि कि तत्व थे, वॉज कंसंट्रेटेड इन वन मास, वो सभी एक ही मास, एक ही द्रव्यमान में केंद्रित थे। दिस सुपर डेंस एंड एक्सट्रीमली हॉट मास इवेंचुअली एक्सप्लोडेड विद द बिग बैंग, यानि कि सुपर डेंस, ये बहुत ज़्यादा सघन था, एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ज़्यादा गर्म था मास। इसको हम एक बॉल टाइप समझ सकते हैं ऐसे, जिसमें सभी छोटे छोटे से जो तत्व हैं वो सारे इसी में कंसंट्रेटेड थे। मीन्स एक बॉल की जो आकृति थी उसी के अंदर ये सभी मैटर्स आते थे, लेकिन इसमें समय के साथ साथ एक्सप्लोनेशन हुआ, एक्सप्लोयड हुआ, जिससे ये फट गया और जो इसके अलग अलग जो टुकड़े हैं वो सारे ब्रह्मांड में बिखर गए। इवेंचुअली एक्सप्लोडेड विद द बिग बैंग, और ये एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गया। एंड द मैटर वॉज थ्रोन अराउंड इन ऑल डायरेक्शन, और जितने भी मैटर हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए। द यूनिवर्स स्टार्टेड टू गेट बिगर, और इससे जो यूनिवर्स है वो और बड़ा होता चला गया। थस क्रिएटिंग मोर स्पेस, और जो स्पेस है वो भी इसका ज़्यादा हो गया। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, और इससे जो गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई।
स्टार्स एंड अवर हेवनली बॉडीज, स्टार्स की और दूसरे हमारे जो आकाशीय पिंड है उन सभी की। दिस थ्योरी इज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी, और इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, और जो ये थ्योरी है वो यूनिवर्स के जन्म को लेकर यह थ्योरी बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट की गई, मानी गई। विद द बिग बैंग के अनुसार मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, जो गैलेक्सी है वो बहुत सारी बनाई, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी यानी कि बहुत बड़ी संख्या में गैलेक्सी फॉर्म हुई। ईच हैविंग बिलियंस ऑफ स्टार, और प्रत्येक गैलेक्सी में मिलियंस स्टार्स थे, लाखों की संख्या में थे। अवर सन बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारा सन है, सूर्य है, वो कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करता है, मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा। इट इज ए स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, और ये किसके शेप में, स्पाइरल से शेप में। फाइंड आउट आर्यभट्ट द नोटेड इंडियन एस्ट्रोनोमर एंड मैथमेटिशियन इज नोन टू हैव इन्वेंटेड द जीरो एंड एलजेब्रा। आर्यभट्ट जो जाने माने इंडियन खगोलशास्त्री और गणितिक थे, इज नोन टू हैव इन्वेंटेड, और उनको जाना जाता है जीरो की खोज और एलजेब्रा की खोज के लिए। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, इंडिया ने जो पहली सैटेलाइट यानी कि पहला जो कृत्रिम उपग्रह बनाया उसका नाम भी क्या रखा गया, आर्यभट्ट। फाइंड आउट अबाउट द लेटेस्ट सैटेलाइट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, फाइंड आउट करो यानि कि खोज करो इंडिया के जो लेटेस्ट यानि कि जो अभी न्यू लेटेस्ट सैटेलाइट है उनके बारे में खोज करें। द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्म वो बना कम से कम 4.6 बिलियन साल पहले। फ्रॉम ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, और ये किससे बना, गैस से और डस्ट से। विच कोल्ड जो समय के साथ ठंडा हुआ एंड कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, और ये कोलैप्स हो गया यानी कि ये केंद्रित हो गया अपनी खुद की ग्रेविटी से। एज ए रिजल्ट परिणाम के तौर पर द सन द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेसियल बॉडीज वर फॉर्म्ड, और परिणाम स्वरूप जो सूर्य है और ग्रह और दूसरे जो आकाशीय पिंड है उनका निर्माण हुआ। स्टार्स, आ स्टार इज ए हेवनली बॉडी दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस दैट इज शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। आ स्टार क्या है, एक आकाशीय पिंड है, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस, जो अपने ही ऊष्मा से, जिसकी अपनी खुद की ऊष्मा है या अपनी ऊष्मा से वो प्रकाश उत्पन्न करता है। दैट इज शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इज ओन लाइट, और अपनी खुद की लाइट को ये प्रोड्यूस, और अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करके उत्पन्न करके ये शाइन करता है, चमकता है। स्टार्स आर बर्निंग बॉडीज, ये ज्वलनशील बॉडीज है, दैट कंटेन गैसेस, जिसमें गैस है, प्रोड्यूस एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। द सन इज अ स्टार, जो सूर्य है वो भी एक क्या है, स्टार है, तारा है। सम स्टार्स मेक अ रिकॉग्निजिबल पैटर्न इन द स्काई नोन एज कॉन्स्टलेशन और नक्षत्र, कुछ स्टार्स है वो एक रिकॉग्निजिबल यानि कि एक पहचान, एक जाना पहचाना पैटर्न बन जाता है आकाश में, जिसको हम क्या कहते हैं, कंस्टलेशन या फिर नक्षत्र। कंस्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि कंस्टलेशन किसको बोलते हैं, यानी कि एक आकृति बन जाती है और उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, इसको हम अ ग्रुप ऑफ स्टार्स भी बोल सकते हैं, जो एक रिकॉग्निजिबल पैटर्न दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टलेशन। सम ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्निजिबल कंस्टलेशन आर उर्सा मेजर, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, ओरियन द हंटर एंड लिब्रा द बैलेंस स्केल्स। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेसियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी,
तारों की और दूसरे आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। और जो साइंटिस्ट इनका अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमर। इट मीन्स स्टडी हमारी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। और जो साइंटिस्ट इसका स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। बी ए जियोग्राफर, विद अ हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट विच कंस्टलेशन दिस इमेज डिपिक्ट। अपने टीचर की सहायता से डिपिक्ट करो इस कंस्टलेशन को कि ये कौन से कंस्टलेशन की इमेज है। ऑब्जर्व सम मोर पैटर्न ऑफ कंस्टलेशन ऑन अ क्लियर नाइट स्काई। और खुद भी ऑब्जर्व करें, क्लियर जब हमारा जो स्काई है नाइट में क्लियर हो तभी ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करें। दिस कंस्टलेशन इज वर्गो कंस्टलेशन। इस जो जो ये तारामंडल है उसको हम क्या, इस तारामंडल को हमने किसका नाम दिया है? वर्गो का। द सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू द सन। सो जो सोलर सोलर सिस्टम किसको नाम दिया गया? सन को। ऑल द प्लेनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स, और जो जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूमते हैं। देयर सैटेलाइट्स और जो और मून्स, मीटियोर्स, कोमेट्स एंड एस्टेरॉयड्स। इट मीन्स जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे क्या आता है? सन आता है। ऑल द प्लेनेट्स सभी ग्रह, रिवॉल्व अराउंडेड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देयर सैटेलाइट यानि कि जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो, और मून या फिर मून, मीटियोर्स हमारे क्षुद्र ग्रह, कोमेट्स धूमकेतु एंड एस्टेरॉयड्स या फिर क्षुद्र ग्रह। द सन, द प्लेनेट्स एंड अदर सैटेलाइट ऑल हैव देयर ओन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। सन की और ग्रहों की और उनके सैटेलाइट की, इन सभी की अपनी खुद की अलग अलग स्ट्रेंथ में ग्रेविटी होती है, मीन्स गुरुत्व शक्ति होती है। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। देयर पुल ऑन ईच अदर इज, ये एक दूसरे की तरफ सरकते हैं, इज वट होल्ड्स देम इन प्लेस इन द सोलर सिस्टम। और इस ग्रेविटी के द्वारा ही ये इस सोलर सिस्टम में टिके रहते हैं एंड कीप्स देम वेयर दे आर, और वहीं पर रहते हैं जहाँ पर इनको होना चाहिए। ईच प्लेनेट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। दिस इज कॉल्ड इट्स ईयर, और ये उस ग्रह का क्या कहलाता है? वन ईयर कहलाता है, साल कहलाता है। द फर्दर अ प्लेनेट इज फ्रॉम द सन द लोंगर इज इट्स ईयर। एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वो उसका क्या होता है? ईयर होता है, साल होता है। मरकरी द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, मरकरी जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, हैज़ अ ईयर ऑफ 88 अर्थ डेज। उसके अगर हम अर्थ यानि कि पृथ्वी के दिनों के हिसाब से वो कितना टाइम लेता है? 88 दिन, वो उसका क्या है? ईयर। नेपच्यून द प्लेनेट फार्देस्ट फ्रॉम द सन, जो नेपच्यून ग्रह है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है, हैज़ अ ईयर ऑफ 60,266 अर्थ डेज। और वो कितना समय लेता है? 60,266 डेज। द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और जो अर्थ है वो कितना समय ले रही है? 365 1/4 डेज। तभी हमारा क्या बनता है? 4 ईयर में एक लीप ईयर बनता है, यानी कि हर साल इसका कितना दिन का चौथाई हिस्सा वो अपने ज़्यादा होता है, और इसको हम लीप ईयर में इंक्लूड कर लेते हैं जिससे हमारे दिन कितने बनते हैं? 366। दिस पिक्चर इज अवर सोलर सिस्टम, हेयर इज द सन एंड देयर प्लेनेट्स। फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
जो जुपिटर है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है, मरकरी। और ब्लू जो प्लेनेट है वो हम अर्थ को कहते हैं, और रेड प्लेनेट हम किसको बोलते हैं, मार्स को। और ये सभी अप अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं सूर्य के चारों ओर, ये अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और ऑर्बिट में भी घूमते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। द सन, द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में स्थित, और जो बाकी भी जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, या फिर हमारे सैटेलाइट है, वो सभी जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। और जो बाकी इनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह हैं, मीटियोर्स है या फिर कोमेट्स है, वो सभी किसके चारों ओर घूम रहे हैं, हमारे सन के चारों ओर। इट इज अ मीडियम साइज्ड स्टार, और ये मीडियम साइज का स्टार है, तारा है। इट्स डायमीटर इज ओवर 100 times दैट ऑफ द अर्थ। और जो इसका डायमीटर यानी कि व्यास है वो अर्थ की तुलना में कितना गुना है, 100 गुना। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, स्पेशली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये एक बहुत बड़ी बॉल है बर्निंग गैसेस की, या ज्वलनशील जो गैसेज होती हैं, जल्दी जलती हैं, उन गैसेज की एक बड़ी बॉल है, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। देयरफॉर इट इज़ वेरी हॉट, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 5500 degrees Celsius। जो इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 5500 degrees Celsius, विच इज अबाउट 60 times दैट ऑफ बॉयलिंग वाटर। और ये बॉयलिंग वाटर का कितना गुना है, कम लगभग 60 गुना। बट वी डू नॉट फील दिस हीट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की ज़्यादा डिस्टेंस के कारण हम इस हीट को फील नहीं कर पाते, विच इज अबाउट 150 million kilometers। और ये लगभग कितने किलोमीटर दूर हम, जो सन है, सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 150 million kilometers। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द एंटायर सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता सोर्स है हीट और लाइट का। द प्लेनेट्स, ऑल द 8 planets ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह, कितने ग्रह हैं हमारे, 8। फर्स्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स। इन सभी का अपना जो सूर्य के चारों ओर घूमने का जो पाथ है वो फिक्स होता है, और उसको, उस पाथ को हमने क्या नाम दिया है, ऑर्बिट। दे आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सेस, वो अपनी खुद की एक्सेस पे भी घूम रहे हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जो ग्रह हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते, दैट दे रिसीव फ्रॉम द सन, जो उन्हें सूर्य से मिलती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, यह जानना आवश्यक है, दैट अर्लियर द सोलर सिस्टम वॉज बिलीव्ड टू हैव 9 planets। पहले हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह थे, 9, विद प्लूटो, और सबसे जो लास्ट ग्रह वो कौन सा था, प्लूटो बिंग द 9th one। However, Pluto has been removed from the list of our planets. अभी लेकिन Pluto को हम जो हमारे planet list है उससे निकाल दिया गया, and is recategorized as a dwarf planet. और इसे क्या नाम दिया गया, dwarf planet means बोना ग्रह। All the planets are spherical in shape and vary in size and composition. सभी ग्रह स्फीरिकल यानी कि आकार में राउंड है, बॉल की तरह गोल हैं,
एंड वेरी इन साइज एंड कंपोजिशन, और आकार और संरचना में काफ़ी बड़े हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सभी ग्रहों में जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह और मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, द रेड प्लेनेट मार्स को हम क्या, मार्स ग्रह को हमने क्या नाम दिया, रेड प्लेनेट। आर रॉकी, वो कैसा है, रॉकी है यानी कि उस पे पहाड़ या चट्टाने हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैसियस एंड लिक्विड। और जबकि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं वो किसकी फॉर्म में है, गैस की और लिक्विड की फॉर्म में। द हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस, सबसे गर्म ग्रह वीनस है, नोट मरकरी, ना कि मरकरी। इवन दाउ इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसके बावजूद ये सन के, जो मरकरी ग्रह है सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। दिस इज बिकॉज द एटमोसफियर ऑफ वीनस ट्रैप्स द सन सीट। लेकिन सबसे गर्म ग्रह हमारा कौन सा है, वीनस, जो सेकेंड प्लेस पर है। और ये सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि ये जो सन है सन की हीट को ट्रैप कर लेता है यानी कि अपने अंदर उसका समावेश कर लेता है, और जिससे जो इसका एटमोसफियर है, वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अनदर इंटरेस्टिंग प्लेनेट इज सैटर्न, और दूसरा जो इंटरेस्टिंग प्लेनेट है वो कौन सा है, सैटर्न। इट हैज़ मैनी रिंग्स मेड ऑफ डस्ट, आइस एंड रॉक्स, इसके चारों ओर क्या है, रिंग्स बनी हुई हैं, जो किससे बनी है, डस्ट से, आइस से और रॉक से। यूरेनस एंड नेपच्यून्स आर ओनली विजिबल थ्रू ए टेलीस्कोप, यूरेनस और नेपच्यून को हम केवल एक टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एज दे आर फार फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सिंस दे आर एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सुनी जो सूर्य है उससे उनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। देयर क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड, और उनका क्लाइमेट यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। टुडे वी रीड अबाउट द यूनिवर्स, स्टार्स, सोलर सिस्टम, सन एंड देयर प्लैनेट्स। यस्टरडे, इन नेक्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट द अर्थ, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मीटियर्स एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स।